नालंदा में गुरुवार की सुबह एक किसान का गड्ढे में उपलाता हुआ शव मिला। घटना चंडी थाना क्षेत्र के जागो बीघा गांव की है। मृतक की पहचान स्वर्गीय चरित्र पासवान के पुत्र रौदी पासवान के रूप में हुई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मंगलवार की शाम रौदी पासवान खेतों में लगे मसूर की फसल देखने गए थे। शाम अधिक हो जाने के कारण जब रौदी पासवान घर नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू कर की गई। देर रात तक अंधेरा होने के कारण रौदी का कहीं पता नहीं चल पाया। अगली सुबह फिर से गांव खलिहान में खोजबीन की गई, बावजूद कहीं अतापता नहीं चल पाया। आज सुबह जब गांव के लोग खेतों की ओर गए तो पानी भरे गड्ढे में अधेड़ का शव उपलाया हुआ देखा, जिसके बाद घटना की जानकारी घर वालों को दी गई। घटना 4 बजे दिन में गए थे परसों खेत देखने के लिए मसूरी, और उसी समय अपना फिर वापस नहीं घर पर आए, शौच के लिए लगता है गए, पैर पे छूल गया, वो गड्ढा है तालाब उसमें खाता करीब 20 फीट गड्ढा है, उसी ने पैर पे छूल के चला गया। अच्छा, कोई देखा नहीं। लुंगी हम लोग कल होके देखे कि खाता ने छहलाल है, तब लुंगी के आधार से हम लोग देखे कि जब लुंगी है खाता ने तो आदमी कहाँ गया, तब कल भी हम लोग झगड़ दे के खोजे नहीं मिले। आज सवेरे 8-7 बजे करीब 8-7 के बीच में हम लोग के झगड़ से मिले